कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से लेह का दौरा किया और नीमू कैंप में सैनिकों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प जो कि 15 जून की रात को हुई थी, उनमें घायल हुए जवानों से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने उनसे क्या कहा। आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य, आपने जो रक्त बहाया तो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता है। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चाइना पर भी उसका नाम बिना नाम लिए जो है निशाना साधा और उसकी विस्तारवादी नीति पर बड़ा प्रहार किया। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया ने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लेह के दौरे के बाद चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच जो भी रिश्ते हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है और जो विवाद है उसको घटाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम आशा करते हैं कि भारत की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी जो कि इस मुद्दे को और भी गर्म कर दे।